डुगू को सारा सामान चाहिए। एक ले लो, चलो बड़ा लेना बड़ा। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 5:30 और आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, तो हम डुगू को लेके बाहर राशन पानी लेने आए। अंकिता भी राशन ले रही है और हम दोनों गाड़ी में आए। डुगा थोड़ा परेशान हो गया था बाहर क्योंकि उमस है, क्योंकि आज बारिश हुई है और कल भी बारिश हुई थी। अरे बच रिकॉर्डिंग हो रही है और आज इसके बाद में हम लोग वाटिका जाएंगे बेबी के लिए शूज लेने और बेबी इससे ज्यादा रिकॉर्ड शायद होने नहीं देगी, बाद में करते। मम्मा प्लीज, मम्मा सो गाइज, यहाँ पे हम लोग दीदी और फैमिली से बात कर रहे हैं। हम लगभग 10 से 15 मिनट पहले इस जगह पे आए थे वाटिका के, जस्ट हमने उनको वाटिका में जाना शॉपिंग करने। यहाँ से हम अभी फास्ट फूड खा रहे हैं और यहाँ पे अंकिता बेबी को फीड कर रही है, लेकिन ये जो 4 पाँव की दूरी है ना, पक्की दूरी है, ये तय नहीं हो पा रही। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वाटिका पे। ये सब ये पैर में क्या पहना रही है, देख लो पैर। हाँ, ये कितने हो गए? क्या पहना दिया डुगू को पाँव में? ये क्या पहन लिया बेटे ने? अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, हमें खोल दे, परेशान हो रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और कल का ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह सुबह मैं बेबी को बाहर घुमाने ले गया था स्टॉल में, लेकिन बारिश आ गई, फिर उसको वापस लाना पड़ा। सुबह आज हम लोग उठ गए थे लगभग 7:30 बजे और कल रात को मेरे को इतनी जोरदार स्नीजिंग हो रही थी कि मेरे को हमेशा की तरह हॉल में ही सोना पड़ा। बेबी की नींद खराब हो जाती है, उठ जाता तो फिर वो 2-3 घंटे सोता नहीं, तो फिर मैं हॉल में सोया था। तो अभी दिन की शुरुआत करते हैं, मैं बना रहा हूँ चाय, अंकिता कर रही है बेबी को फीड, मिलते हैं थोड़ी देर में। डुगू का शूज पहना दे, कैसे कर रहा है ना, क्या है डुगू, ये क्या है? ये शूज है क्या डुगू के? और निकल ही नहीं रहे मेरे बेटे के पैर से गंदे शूज, मेरे को तो ये खाने थे, ये यहाँ कैसे चले गए, निकल भी नहीं रहे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और क्या बारिश हो रही सुबह से, मतलब क्या बोलूँ मैं, लगातार बारिश आ रही है, तेज बारिश हो रही है। और सुबह 7:30 बजे के आसपास मैं बेबी को बाहर लेके गया था, तब से बारिश हो रही है, पहले छींटे हो रहे थे, अब तेज बारिश आ रही है। ये होता है जब आपसे फोन ले लिया जाता है। इनको 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो दोनों को, या तो बोतलें इधर की उधर, घर पूरा तहस नहस, अभी तो दोनों बैठे हैं आराम से। ये क्रिब यहाँ पे इनको, इसको क्रिब में घुमाया जा रहा था बेड के अंदर, ये डाइनिंग चेयर इसके अंदर भी इसको घुमाया जा रहा था, और अब चने खा रहे हैं दोनों। अच्छा, और यहाँ किचन की हालत देखो, ये तो खैर मैंने रखी है, ये बेसन वेसन पकौड़े बनाने का प्लान है आज, आलू इसलिए रखे हुए। मैं बना रही हूँ मेरे लिए मैगी, मोटू खानी नहीं है, मोटू डाइट हो रही है, इधर बन रही चाय। मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मस्त मजे आएंगे। और आज हमने नीचे गद्दे डाल रखे हैं टीवी के आगे, और वहाँ पे हम फैमिली टाइम निकाल रहे हैं। आज सुबह से मोटू की छुट्टी है ना, तो मोटू भी थोड़ा फ्री है, और अभी साथ में पॉपकॉर्न भी बनेंगे और हम देखेंगे मूवी और एंजॉय करेंगे संडे। चलिए पॉपकॉर्न बन गए, दूसरी बन रही है, चाय छन गई है, ये मेरे को साफ करना है सारा कुछ, मैगी बन गई है। मैं कुकर में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर लोग कुकर में बनाते होंगे, पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं, जलते नहीं है, मतलब हॉस्टल में मैंने पतीले में भी बनाए हुए। सम टाइम्स आई रियली मिस माई हॉस्टल लाइफ, क्योंकि क्या दिन थे यार, खाना बना बनाया मिलता था, कॉलेज जाते थे तैयार होकर बढ़िया आते थे, आराम से मूवी देखते थे, चाय पीते थे, सो जाते थे। आई रियली मिस दिस लाइफ सम टाइम्स। ओह, इवनिंग पार्टी की तैयारी है पक्की, इवनिंग पार्टी।
Yeah.